हाँ तो विद्यार्थी, हमने आपको सोशल साइंस पिछले चैप्टर को समाप्त किए थे, और आज हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर सोशल साइंस में क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे आपका भूगोल से, जिस चैप्टर का नाम है वन्य जीव एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, भूगोल का आपका चैप्टर रहेगा, किस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, भूगोल। भूगोल में हमारा चैप्टर आपका चलेगा वन्य जीव संसाधन। संसाधन दूध हो गल बाबू, चलाना दिक्कत है, लम्बा कुर्सी हो जाए तो खाए में का हो दिक्कत है। ठीक है ना, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन आपको हम क्या करेंगे, आज चैप्टर नंबर भूगोल का शुरू करेंगे। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन, विद्यार्थी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको समझेंगे ना, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन विद्यार्थी, एंड वाइल्ड लाइफ, क्या कहेंगे, एंड वाइल्ड लाइफ, इसका अंग्रेजी शब्द है। चैप्टर का नाम है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेचुरल माने हो जाएगा आपका प्रकृति से संबंधित जो होते हैं, वेजिटेशन संसाधन, एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब होगा वन्य जीव। अब वन्य एवं वन्य जीव संसाधन को बोलेंगे अंग्रेजी में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्या बोलेंगे विद्यार्थी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलेंगे अब इसमें हम पहली हेडिंग देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, फर्स्ट हेडिंग इसकी इसकी है, भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यह आपकी हेडिंग है विद्यार्थी, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, क्या है, भारत वनस्पति जात एवं प्राणी जात। इसमें देखेंगे, देखिए कहने का मतलब, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन पूरे चैप्टर का मतलब क्या कर रहा है, इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे भारत के जो वन्य जीव संसाधन, चाहे हम टाइगर की बात करें, चाहे बाघ की बात करें, चाहे वनों की बात करें, कि वनों के बारे में, टाइगरों के बारे में, सारा इस हमको चैप्टर में पढ़ना है, कि हमारे संसाधन क्या कहते हैं, कैसे संसाधन की समाप्तिकरण हुआ, सारा इसके बारे में पढ़ेंगे ना। पहली हेडिंग जो डालें कि भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जाति, मतलब वनस्पति है जैसे पेड़ पौधे हो गए, वनस्पतियाँ हो जाती हैं आपकी, महंगी महंगी जो वनस्पतियाँ होती है जो आदमी की बीमारियों में क्या करती है, सहयोग करने का काम करती हैं। ठीक है, ताड़ का तेल हो गया, चीड़ हो गया, ओक हो गया, ये सब मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जिनसे वनस्पतियाँ बनती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो कह रहे हैं कि भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात से आप क्या समझते हैं, तो विश्व की जैव विविधता की, देखेंगे विद्यार्थी, विश्व की जैव विविधता की 8% संख्या, 8% संख्या, इसको विद्यार्थी अगर हम लाख में कहें तो लगभग लगभग कितना लाख हो हमारे विद्यार्थी, तो लगभग 8 लाख, कितना लाख, 8 लाख। ठीक है विद्यार्थी, 8 लाख भारत में है, भारत में, देखिए दूसरा पार्ट, तो मतलब भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात, जो वनस्पतियां हैं वो जीव जंतु हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि भारत में क्या से क्या है। तो भारत में लगभग विश्व की जैव विविधता की 8% संख्या, यानी पूरे दुनिया में जैव विविधता, समझेंगे जैव विविधता समझे, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता का तात्पर्य होता है कि जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार का मतलब कई प्रकार के जीव पाए जाएंगे, उसे कहेंगे जैव विविधता। जैसे गांव में भी क्या होता है, कभी कभी विभिन्न प्रकार के, जैसे हमको बच्चे पाए जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बहुत शरारती होते हैं, न बहुत, कुछ लोग शरारती भी नहीं होते हैं, कोई आराम से अपना पढ़ते हैं जाते हैं, यानी कई प्रकार के बच्चों को देखा। मुख्य रूप से जो हमारा जीवन में है तो दो ही प्रकार की जाति कही गई, एक पुरुष जाति, एक स्त्री जाति, लेकिन उसमें अलग अलग कैटेगरी जो बताए हैं आपको, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे विनम्र स्वभाव के होते हैं, कुछ बच्चे खाली हमेशा चिल्लाते रहते हैं, कुछ बच्चे हमेशा नाक को खोते रहते हैं, और अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। उसी तरह विश्व की जैव विविधता की, मतलब दुनिया में जैव विविधता, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता विद्यार्थी हमारे यह पाया जाता है दक्षिण अमेरिका के अमेजन वनों में, सबसे ज्यादा कहाँ पे, अमेजन, और भारत में जैव विविधता पाया जाता है, देखेंगे तो सुंदर वन जो डेल्टा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जैव विविधता पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं।
तो जैव विविधता का मतलब जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव, कई प्रकार के जीव पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे विद्यार्थी, जैव विविधता। जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे विद्यार्थी, जैव विविधता। जहाँ पे कई प्रकार के जीव पाए जाएंगे विद्यार्थी उसे क्या कहेंगे, जैव विविधता। एंड विश्व की जैव विविधता की 8% संख्या भारत में है। एंड जिस तरह प्रतिशत का मतलब टोटल देखते हैं कितना परसेंटेज निकालते हैं 100% में, तो उसमें 8% जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, अपने देश भारत में पाई जाती है। अगर उसको हम संख्या में, ये तो परसेंटेज में दे दिया, गणित का दे दिया टॉपिक में, तो परसेंटेज में व्यक्त करने का, अगर इसी को हम कहेंगे संख्या में व्यक्त कीजिए विद्यार्थी, तो कुल कितना लाख, लगभग हमारे देश में 8 लाख। कितना लाख विद्यार्थी, 8 लाख। ठीक है, आगे देखेंगे विद्यार्थी। 81,000 क्या विद्यार्थी, 81 तीन वो जीरो ना, 81,000 वन्य जीवन, वन्य जीवन, वन्य जीवन उप जाति, क्या विद्यार्थी, उप जाति। ठीक है, काम और क्या क्या इसको हम समझेंगे विद्यार्थी, 47,000, 47,000 वनस्पति, वनस्पति उपजाति, क्या हमारे प्यारे बच्चे, वनस्पति उपजाति। और 15,000 जो इसमें से कह रहा है, वनस्पति में से मुख्य रूप से कहा है, तो नोट में समझेंगे कि 15,000 कितना है विद्यार्थी, 15,000 उपजाति भारत मूल में पाए जाते हैं, 15,000 वनस्पति उपजाति भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की है। इस कहने का मतलब क्या करें हमारे प्यारे बच्चे, इसको ध्यान से समझेंगे। विश्व की जैव विविधता का बताएंगे, पूरे दुनिया में जैव विविधता में भारत में कितना परसेंट जैव विविधता पाया जाता है हमारे प्यारे बच्चों, तो भारत में जो जैव विविधता पाया जाता है वो टोटल 100% का, 100% कितना परसेंट पाया जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, 8% पाया जाएगा। वहीं इसको लाख में व्यक्त करें तो कितना लाख पाया जाएगा, 8 लाख। जैव विविधता उसे कहते हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पे होता है, अमेरिका के दक्षिणी अमेजन में, अमेजन जो वन है वहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा चीज कह रहा है कि भारत में जो है 81,000 वन्य जीवन उपजाति है, मतलब उपजाति, उपशब्दायक उपजाति क्या होता है, मतलब हमारे जो वन्य जीव है, देखिए उपजाति पहले हम समझे विद्यार्थी, जैसे देखिएगा ये समझ लीजिए हमारे क्या है, डॉग है, क्या है, कुत्ता। तो कुत्ता क्या है, जाति है। कुत्ता क्या विद्यार्थी, जाति है। जैसे आप कहते हैं ना कुत्ता जाति है, बिल्ली जाति है, हम लोग भी एक प्रकार की जाति, सबकी अलग अलग, तो कुत्ता जाति। लेकिन आप देखिए कुत्ते का भी अलग अलग नाम होता है, कहते हैं पेंथरा, पेंथरा कह रहे हैं, देसी कुत्ता, विदेशी कुत्ता, नहीं कहते देश का विदेशी कुत्ता है, और सब उसका नाम होता है टाइगर है, टाइगर के कैटेगरी होती है बाबू, पेंथरा, पेंथरा भी एक कुत्ते की कैटेगरी होती है, पेंथरा, पैंथरा। मतलब देख रहे हैं कुत्तरों, कुत्तों में भी अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ देश में देखेंगे लोग क्या है, मतलब सभी लोग तो एक समान है, जैसे कि लोग हो गए, जैसे हम कह दें देखिए हिंदू धर्म, समझिएगा विद्यार्थी हमारे हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन अलग अलग इसमें जाति, कोई देखेंगे कुमार जाति का रहेगा, कोई अहिर जाति का रहेगा, कोई सिंह जाति का रहेगा, कोई राजभर जाति का रहेगा। नहीं का मतलब हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उसमें अलग अलग जातियां हैं। तो जैसे कि हिंदू धर्म एक प्रकार की जाति धर्म हो गया, लेकिन इसमें भी अलग अलग लोग बटे हुए हैं, कोई सिंह है, कोई राजभर, एक प्रकार की क्या है, जाति है। तो उस जाति में भी अलग अलग जो उपजाति होती है, जैसे हमने कहा कि कुत्ता क्या है, जाति है, लेकिन इसका भी अलग अलग होते हैं, कहते हैं देसी कुत्ता है, विदेशी है, पेंथरा कुत्ता है। तो जो ये अलग अलग जाति में भी जो अलग अलग कैटेगरिया इनकी पाई जाती है, ये क्या कहलाएंगे विद्यार्थी, उपजाति, क्या कहलाएंगे, उपजाति। तो आपको उपजाति समझ में आ गया होगा, जाति किसे कहेंगे, जैसे कुत्ता एक प्रकार की जाति है, लेकिन उसमें अलग अलग कुत्ते हैं, देसी कुत्ता, विदेशी कुत्ता, पैंथरा कुत्ता, अलग अलग कुत्तों का अलग अलग कैटेगरियों का नाम होता है, उतना थोड़ा सा नाम हमें यहाँ पे याद नहीं आ रहा है। तो जो एक का क्या है, अलग अलग जो दिए गए एक कैटेगरी के नाम की देसी है कि विदेशी है, तो देसी कुत्ता रहे, विदेशी कुत्ते ने क्या कहे तो दौड़ा काट ले। तो ये चीज क्या है, इनकी जो अलग अलग कैटेगरिया होती है उसे क्या कहेंगे विद्यार्थी, उपजाति, क्या कहेंगे बाबू, उपजाति। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 81,000 वन्य जीवन उपजाति हमारे देश में, कितना, 81,000 वन्य जीव, मतलब जो हमारे यहाँ जितने भी जानवर वनों में निवास करते हैं उनकी कितनी जातियां हैं, 81,000। दूसरा,
47,000 वनस्पति उपजाती है। वनस्पति मतलब औषधीय चीजें, पेड़ पौधे जो हो गए हमारे, इनके भी अलग अलग कैटेगरी हम कितने बटे हुए, वो 47,000 वनस्पति उपजाती पाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा जो वनस्पति उपजाती है विद्यार्थी, भारतीय मूल की कितनी है, मतलब जो ये आप देख रहे हैं विदेशों के द्वारा, मतलब अन्य देशों से भी हम क्या करते हैं अलग अलग पेड़ पौधों को लाते हैं। जैसे आप ही की बात करें, जिले गाजीपुर में किसी चीज की कमी हो जाती है, गेहूं की, अनाज की, गन्ना की, चीनी की, तो क्या करते हैं, मऊ से मंगा सकते हैं, बलिया से मंगा सकते हैं, बनारस से मंगा सकते हैं, इसका मतलब अन्य जगह से आप मंगाते हैं। तो वही चीज कह रहा है जो मुख्य रूप से 47,000 वनस्पति उपजाती है कई देशों, मतलब इसमें हमारे यहाँ टोटल 47,000 है, लेकिन इसमें जो 15,000 वनस्पति उपजाती है कुछ मूल की है, भारतीय मूल की, मतलब पर्सनल अपने देश की है। कितनी अभी तक 47,000 विद्यार्थी, कितने बाबू लोग 47,000, तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला टॉपिक में कुछ नहीं दे देगा कि भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जाति से क्या तात्पर्य है, तो भारत में वनस्पति और प्राणी जाति से तात्पर्य है कि विश्व की जैव उपजाति का लगभग 8% संख्या भारत में निवास करती है। कितना, जैव उपजाति का 8% जो हमें पाई जाती है, और इसको संख्या में हम व्यक्त करना चाहेंगे तो इस संख्या में कितना होगा विद्यार्थी, 8 लाख। कितना होगा, 8 लाख होगा। और टोटल वन्य जीवन उपजाति कितनी है, 81,000। कितना है, 81,000। वही वनस्पति उपजाति कितने हमारे प्यारे बच्चों, 47,000। कितना है, 47,000 पाई जाती है। इसमें भारतीय मूल की कितनी है, यानी अपने देश की पर्सनल बनी हुई कितनी है उपजाति अपने यहाँ जीवों की, तो मुख्य रूप से 15,000 वनस्पति। कितने विद्यार्थी, 15,000। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा, हम आगे बढ़ रहे, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग हम देखेंगे कि पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियां। पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियां, विभिन्न श्रेणियां मतलब पौधों एवं प्राणियों को विभिन्न विभिन्न भागों में, यानी अलग अलग भागों में बांटा गया कि यहाँ पे पौधे इस हिसाब से रहेंगे, प्राणी इस हिसाब से रहेंगे। तो इसको बांटने का काम कौन किया है, तो IUCN, पौधों एवं प्राणियों को बांटने का काम किया IUCN। यह एक संस्था, याद रहे बेटा इस संस्था का नाम विद्यार्थी, इंटरनेशनल कंजर्वेशन, क्या कहेंगे, कंजर्वेशन, क्या कहेंगे हमारे प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल कंजर्वेशन, इंटरनेशनल, ओहो बीच में यू था, यूनियन ये बना दे, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन, उसके बाद नेचुरल, क्या कहेंगे विद्यार्थी, नेचुरल, नेचुरल क्या कहेंगे, नेचुरल, ठीक है। इसका हिंदी देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, क्या कहेंगे, संरक्षण संघ। ये हमारे प्यारे बच्चों ना, मतलब कि मुख्य रूप से पौधों एवं प्राणियों को विभिन्न श्रेणी में बांटने का काम कौन सी संस्था की है, पहला प्रश्न बनेगा कि पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियों में बांटने की प्रणाली कौन है, बांटने की संस्था कौन है, तो IUCN। कौन बांटती है, IUCN, फुल फॉर्म पूछ देता है बोर्ड के पेपरों में कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन और नेचुरल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचुरल, कंजर्वेशन नेचुरल, याद हो गया होगा, हिंदी कुछ नहीं है, इंटरनेशनल से अंतर्राष्ट्रीय, और देखिए प्राकृतिक, और उसके बाद कंजर्वेशन माने संरक्षण करना, और यूनियन माने संघ, तो अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा विद्यार्थी बोलेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ठीक है। तो पौधों एवं प्राणियों को जो बांटने वाली संस्था का क्या नाम है, IUCN, क्या नाम है, IUCN। देखिए कई प्रकार से इसको मुख्य बढ़, तो पहला सामान्य जातियां, कौन सी जाति, सामान्य जाति, देखिए सामान्य जाति किसे कहते हैं, आप बस समझते रहे, सामान्य जाति वह जाति होती है जो जीव आज हमारे यहाँ खूब आसानी पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, कौन से जीव होते हैं, सामान्य जातियाँ, कौन सी जातियाँ, सामान्य, सामान्य जातियाँ से तात्पर्य वह जातियाँ जो मतलब आज हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में जीवन निर्वाह कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं,
यानी भारत में पर्याप्त मात्रा में जीवन निर्वाह करने वाले जो जाति है वो क्या कहलाएंगी? सामान्य जाति है। कौन सी जाति है? सामान्य जाति है। जैसे देखेंगे पशु, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है, गाय, और एक है कृंतक। कृंतक समझिए क्या कहते हैं, कृंतक का मतलब लिख दिया आपको आ गया होगा, चूहा। क्या विद्यार्थी? चूहा। मतलब इसी तरह बिल्ली भी कर सकते हैं, कुत्ता भी कर सकते हैं, बहुत सारे। तो बस सामान्य जाति क्या होती है? सामान्य जाति इस तात्पर्य की वह जाति जो भारत में पर्याप्त मात्रा में है, मतलब उनको उतना ज्यादा हानि नहीं हो रहा, वो आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। कौन सी जाति कराएगा? सामान्य जाति। जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, सब किस में आएंगे? सामान्य। जैसे हमने आपको लिख दिया पशु कैसे हैं, पशु में गाय भैंस गोद जितना जाएगा सब, गाय कैसे आ जाएगी? सामान्य जीवन देख रहे हैं, आराम से अपना जीवन। कृतंक, कृतंक का मतलब देखते हैं चूहा लोग। मूस क्या है? पर्याप्त मात्रा में हर एक घर में मूस पड़ा हुआ है, जो क्या करता है, मौका मिलता तो कपड़ा उपड़ा क्या करेगा, काट उड़ देगा, ठीक है। तो मतलब बस सामान्य जाति से वह जाति जो भारत में पर्याप्त मात्रा में अपना जीवन सुचारू पूर्वक जी रहे, किसी भी दिक्कत के साथ उनको उतना ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, कौन सी जाति कहलाएंगी? सामान्य जाति। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, किसमें आएगा? सामान्य जाति। अब दूसरी देखें किसमें बांटा है, संकट जाति। कौन सी विद्यार्थी? संकट जाति। देखिए संकट जाति आपको देखने से ही पता चल जा रहा है, इसमें लिखने के संकट जाति वह जाति होते हैं जिसमें पशुओं का जीवन संकट ग्रस्त, मतलब आज उनका जीवन अगर सही ढंग से न सुचारू रूप से देखा जाए तो धीरे धीरे वो किसी श्रेणी में आ जाएंगे? संकट ग्रस्त। जैसे काला हिरण। कौन सा विद्यार्थी? काला हिरण, काला हिरण। उसके बाद शंघाई, ये भी एक जानवर है शंघाई। कौन सा विद्यार्थी? शंघाई, ठीक है। इसे ये कहाँ, इसे मणि कहाँ का हिरण है? तो मणिपुर का जो आज की हिरण है, मणिपुर का क्या यह हिरण है, क्या? इसे उछल कूद वाला जानवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उछल कूद वाला, उछल कूद वाला, ठीक है। उछल कूद का मतलब ये हिरण जहाँ पे रहता है विद्यार्थी, उसके चारों तरफ क्या है? जल है। तो जल है, थोड़ा सा स्थल है, थोड़ा सा जल स्थल का मतलब समझिएगा, मान लीजिए है आपका, इसमें आपका जैसे मान लीजिए कोई नदी बड़ी सी है, यहाँ पे क्या है? जमीन है। फिर यहाँ पे क्या है? जल है। फिर यहाँ पे क्या है? जमीन है। फिर यहाँ पे जल है। फिर यहाँ पे क्या है? जल है। यहाँ पे जमीन। इतने हिरण यहाँ पे देखेगा बीच में ऐसे कूद जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कूदेगा ऐसे, फिर ऐसे करते करते फिर इसको यहाँ कूदना, मतलब जैसे भी उछल कूद का मतलब होगा कि हमेशा क्या कूदता रहता है, क्योंकि वहां पे कहीं पे जल है तो कहीं पे जमीन है, ठीक है। तो समझ में संकट ग्रस्त जाति से तात्पर्य कि वह हमारे यहाँ जीव जिनको अगर सही ढंग से हम ना देखें तो वह धीरे धीरे किसका शिकार बन जाएंगे? संकट ग्रस्त की श्रेणी में चले जाएंगे। किस श्रेणी में चले जाएंगे? संकट ग्रस्त। तो मत मुख्य रूप से हमें जीवों को बचा कर रखना चाहिए कि वो संकट ग्रस्त की श्रेणी में चले ना जाए। तो आज भी हमारे संकट ग्रस्त जाति काला हिरण की कंडीशन धीरे धीरे देश से क्या हो रही, खराब हो रही। किसके श्रेणी में? संकट ग्रस्त में। शंघाई जो ये हिरण है, हिरण जानते हैं, डियर जो बोलते हैं, तो हिरण कहाँ का है? मणिपुर का राजकीय हिरण है। इसे उछल कूद वाला जानवर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थी? उछल कूद वाला जानवर भी कहते हैं। और इसमें भारतीय जंगली गधा भी शामिल है। कौन शामिल विद्यार्थी? भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा। इसकी भी धीरे धीरे कंडीशन किसमें जा रही है? संकट ग्रस्त श्रेणी में। किसमें जा रही है विद्यार्थी? संकट ग्रस्त श्रेणी में। तो दोनों श्रेणी आपको समझ में आएगा मुख्य रूप से, फिर इसको मिटा के हम आगे लिख रहे हैं। बताएंगे पहले काला हिरण किसमें आएगा विद्यार्थी? तो काला हिरण आएगा संकट ग्रस्त में। गाय किसमें आएगा? सामान्य जाति। गाय किसमें आएगा? सामान्य जाति। शंघाई किसमें आएगा? संकट ग्रस्त। शंघाई किसमें आएगा? संकट ग्रस्त। चलिए ठीक, इसको मिटा रहे हैं, अब हम आगे लिख रहे हैं, ठीक। चलिए अगली श्रेणी देखेंगे, उसमें क्या जानवरों को दिक्कत है, उसका है सुभेद। सुभेद तीसरी श्रेणी क्या है? सुभेद। एक है संकट ग्रस्त है, थोड़ा सा बेहतर, संकट ग्रस्त से थोड़ा बेहतर। लेकिन लिखने के क्या, इसमें आप बढ़िया से समझे रहेंगे, सारा चीज आपके बुक में दिया हो, बस ध्यान से हमारे यहाँ समझे कि होता क्या है। एक बार अपने बुक को पढ़ेंगे, आपका बेहतर रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप मेहनत से परिश्रम लगा के माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो सुभेद का मतलब क्या करे? सुभेद भी एक जाति है। सुभेद जाति से तात्पर्य है कि मुख्य रूप से इसमें क्या कह रहा है कि वह जानवर आएंगे जो संकट ग्रस्त से थोड़ा सा बेहतर है। मतलब संकट ग्रस्त का मतलब जो संकट ग्रस्त श्रेणी में जो चला गया था, जो हम बताएं जैसे काला हिरण चला गया था, शंघाई चला गया था, भारतीय जंगल गधा, इनकी क्या कंडीशन खराब है, धीरे धीरे हमारे देश से चलते समाप्त हो सकते हैं। लेकिन यह क्या कह रहा है, सुभेद का मतलब संकट ग्रस्त अभी जाने में थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब उतना ज्यादा खराब स्थिति नहीं है जितना कि संकट ग्रस्त की हो चुकी है। तो मुख्य रूप से कौन कौन जानवर आएंगे? तो नीली भेड़। कौन से विद्यार्थी? भेड़, नीली भेड़।
नीली भेड़ का मतलब वो कलर नीला होगा, ठीक है, नीली भेड़ आ जाएगा। एशियाई हाथी, कौन सी हाथी विद्यार्थी? एशियाई हाथी, कौन हाथी हमारे प्यारे बच्चों? एशियाई हाथी आ जाएगी, बहुत अच्छा। चलिए विद्यार्थी, और देख लीजिए इसमें सबसे मुख्य चीज जो आपका है, गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है, गंगा नदी क्या है विद्यार्थी? डॉल्फिन, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आएगा। सुभेद किसे कहेंगे? वह जानवर जो संकट ग्रस्त यानी संकट ग्रस्त की श्रेणी में जाने से अभी थोड़ा सा बचे हुए हैं, वह क्या कहलाएंगे? सुभेद, यानी संकट ग्रस्त जाति से थोड़ी सी बेहतर के जो जानवर आएंगे वो कहलाएंगे सुभेद। इसमें कौन कौन आएंगे जीव? इसमें नीली भेड़ की कंडीशन अभी कहीं संकट ग्रस्त से बेहतर है, एशियाई हाथी भी किसमें आएगी? संकट किसमें आएगी? सुभेद में आएगी, नीली भेड़ सुभेद में आएगी, और गंगा नदी की जो डॉल्फिन है जो मछलियां होती हैं वो भी किसमें आएंगी? सुभेद में आएंगी। किसमें आएंगी? सुभेद, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, स्थानिक जाति, चौथी जाति क्या देखेंगे? स्थानिक जाति। देखिए स्थानिक जाति, आप जानिए स्थानिक का मतलब ही होता है विद्यार्थी, जैसे हमने कहते हैं हम अपने स्थान क्या है, हम गाजीपुर जिले के हैं, हम आजमगढ़ के हैं, बलिया के हैं, मऊ के हैं, यानी पर्सनल अपना लोकेशन बताते हैं। आप कहीं जाते हैं दौड़ने के लिए, कहीं परीक्षा के लिए, कहीं घूमने के लिए, तो कहते हैं हम यहाँ के। यानी कुछ ऐसे जानवर हैं जो भारत में हर जगह पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो किसी विशेष स्थान पे पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? स्थानिक जाति। वे जानवर जो किसी विशेष स्थान पे हर जगह नहीं, जैसे नहीं कि देखिए गाय, देखिए गाय को, देखिए भैंस को, देखिए तो हर जगह लगभग गाजीपुर में भी है तो मऊ में भी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में, बिहार में भी आपको मिल जाएगा, लगभग भारत में हर जगह पाए जाते हैं ये जानवर लगभग की मात्रा में। लेकिन स्थानिक जो जातियां होती हैं वो किसी विशेष स्थान पे ही पाई जाएंगी, तो लिखने क्या जरूरत है? किसी विशेष स्थान पे पाए जाने वाली, तो लिखे बस किसी विशेष स्थान, ठीक है, किसी विशेष स्थान पे जो जाति पाई जाएंगी, जो जानवर पाए जाएंगे, वो कौन से कहलाएंगे? स्थानिक। क्या कहलाएंगे? स्थानिक। इसमें आएगा विद्यार्थी एक जानवर मिथुन, मिथुन, मिथुन का नाम सुनिएगा, हाउ मिथुन जो फिल्म में कराटा मारता है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मारता ऐसे ऐसे, इसे यहाँ बाल उसका देखते हैं सब खत रखते हैं, तो मिथुन चक्रवर्ती जो हीरो है पश्चिम बंगाल का, हाँ इसका पूरा राउंड जीरो होता है, हाई नीचे खत उतना नहीं होता, वो मिथुन ना, तो मिथुन चक्रवर्ती आता हूँ दूर से खाता हूँ अगरबत्ती, लोग मुझे कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती, डायलॉग मारता है बाबू, ये डायलॉग नहीं मारना, यह जानवर है, स्थानिक जाति क्या, एक प्रकार का जीव जानवर है, ये कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे विद्यार्थी? तो एपी लिख दे रहे हैं, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे पाया जाएगा विद्यार्थी? अरुणाचल प्रदेश में। एक अंडमानी टील है और एक निकोबार, अंडमानी टील, अंडमानी टील और निकोबारी कबूतर, निकोबारी का विद्यार्थी, निकोबारी कबूतर, देखिए अब नाम ही से लग रहा है, मिथुन बता दे, मिथुन जो है ये विशेष स्थान पे कहाँ पाया था? अरुणाचल प्रदेश में। अंडमानी टील ये जानवर है कहाँ पाया जाएगा? अंडमान में। कहाँ पाया जाएगा? अंडमान का नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो ये जो निकोबारी है कबूतर, ये कबूतर निकोबारी कहाँ पाया जाएगा? निकोबार में। कहाँ पाया जाएगा? निकोबार में। तो समझ में आएगा, स्थानिक जातियां वे जातियां होती हैं जो किसी विशेष स्थान पे पाई जाती है, न कि पर्याप्त मात्रा में, तो जो किसी विशेष स्थान पे पाए जाएंगे जानवर कौन से होंगे हमारे प्यारे बच्चों? स्थानिक जाति। जैसे हमने बताया मिथुन कहाँ भी पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। मिथुन कहाँ पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अंडमानी टिल कहाँ पाया जाएगा? अंडमान में। अंडमानी टिल कहाँ जाएगा? अंडमान में। और निकोबारी कबूतर कहाँ पाया जाएगा? निकोबार में। कहाँ पाया जाएगा विद्यार्थी? निकोबार में। और इसका अंतिम देखेंगे तो आइए लुप्त जातियां, लुप्त जातियां, तो लुप्त जाति लिख, लुप्त, लुप्त का मतलब ये लगा था गायब अगर भाग गलबा, लुप्त जाति वे जाति जो क्या हो चुकी है हमारे यहाँ से समाप्त हो चुकी है, आज आपको देखने को नहीं मिलेगी, लुप्त नहीं कहते, आदमी खेलता है तो लुका छिपी करता, लुक जाए, लुक जाते, लुक जाते, लुक जाने का मतलब लुप्त हो गया, लुक गया, अब आएगा देर, आइस पाइस भंटा ये सब बोलते हैं सब ना, तो लुप्त जातियां वे जातियां होती हैं, वे जानवर जो भारत से क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं, भारत से क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं, अब वो भारत में नहीं पाए जाते हैं, वो कौन सी जातियां हैं? लुप्त जातियां। जैसे आपके देखेंगे विद्यार्थी में आएगा चीता, गुलाबी शीर वाला चीता है, अगला क्या हमारे प्यारे बच्चों? गुलाबी शीर वाली बत्तख, गुलाबी शीर वाली बत्तख, बत्तख कौन सा विद्यार्थी? गुलाबी सिर वाली बत्तख, कौन सा हमारे प्यारे बच्चों? गुलाबी सिर वाली बत्तख। तो ये था टोटल आपका जो हम बताए वन्य एवं वन्य जीव में कि कितने श्रेणियों में जीवों को बांटा गया, तो पांच श्रेणी में हमने आपको बताया।
लुप्त जातियां भी है जाति जिसका पहले चीता, लुप्त जाति किसमें आ गई विद्यार्थी, चीता। चीता क्या गायब हो चुका था हमारे यहाँ लगभग 1952 के आसपास में, समाप्त कर दिया गया था, आगे आपको आएगा। लेकिन कहीं सर तो आ गए चीता, अभी जल्दी भारत ने नामीबिया देश से लाया है, और 8 चीतों को लाया था, उसमें एक आशा नाम की थी कोई चीती, उसका जड़ा चर्चित में थी, मतलब अब हमारे यहाँ चीते आ रहे हैं, लेकिन पहले क्या हो चुके थे चीते हमारे देश से गायब हो चुके थे ना। तो साथ में लुप्त जातियां वे जातियां होती हैं जो हमारे यहाँ समाप्त हो चुकी है, अभी मतलब सर जी आ गए तब कैसे कह डाला भैया, जो तुम्हारे सिलेबस में वे हम पढ़ा होते हैं, ठीक है ना। लुप्त जातियां वे जातियां होंगी जो भारत से क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, जैसे क्या दिया चीता, चीता धीरे धीरे समाप्त हो चुका था भारत से, अब चीता लाया जा रहा है। गुलाबी सिर वाले जो बत्तख, बत्तख देखेंगे जो हंस हंस होते हैं, इसके कपड़ा कैसे ना गुलाब रंग करे ना, गुलाबी गुलाबी कलर, पिंक कलर होता है ना, पिंक कलर ज्यादा लड़कियां पसंद करती हैं, तो गुलाबी कलर वाली बत्तख किसमें आ जाएंगी, लुप्त जातिया में, किसमें आ जाएगी हमारे प्यारे बच्चों, लुप्त जातिया में। एकदम जाति समझ में आ गया, चलिए ठीक है, अब पूरा स्क्रीन शॉट लीजिए, अब इसको हम मिटा के पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक नोट में इन्हों को लिख ला, एक चीज मुख्य इंपॉर्टेंट जो आप देखेंगे, एशियाई चीता, ए सी आई चीता, ए लिखे विद्यार्थी, एडी, एडी से होता है ए सी आई चीता। देखिए एशियाई चीता के बारे में समझ लेंगे, इससे नहीं टच है, अलग पॉइंट है, नोट में लिखेंगे। एशियाई चीता क्या होती है, यह तेंदुआ होता है, जो एशियाई चीता है इसको क्या कहते हैं लोग, तेंदुआ, तेंदुआ देखते हैं, एशियाई चीता। देखिए एशियाई चीता किसे कहते हैं, जो तेंदुआ होता है इसको देखेंगे, एशियाई चीता की पहचान देखेंगे, तो जो उसकी नाक होती है यहीं से, नाक से लेकर एकदम लकीर नुमा इसको यहाँ तक बना होता है, मतलब आंखों से लकीर ऐसे जाके ऐसे बना रह गए कि एशियाई चीतों की पहचान है, कभी भी देखे ऐसे दूर से खींच के, इसलिए आई तो एशियाई चीते की पहचान किया हमारे प्यारे बच्चों, कि उनका आंख से लकीर नुमा आकर कहाँ पे यहाँ तक है, जो हमारा दाढ़ी बतों को दाढ़ी अलग यहाँ पे आके बना होता है लकीर, वो कैसी पहचान होती है एशियाई चीते की। एशियाई चीता को हम क्या कहते हैं, तेंदुआ भी कहते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थी, तेंदुआ भी कहते हैं। और ध्यान से ये जो बहुत तेज दौड़ता, आप भी दौड़ते हैं, सभी दौड़ते हैं, हम भी दौड़ते थे, है कि नहीं, अलग अलग लोग दौड़ते हैं, लेकिन इसकी रफ्तार कितना है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ट्रेन 60 किलोमीटर, आप चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दो चक्का चलाते हैं 70-80, तो अपने मना रहा वाला उड़ा दो, हमारे हीरो ही, चश्मा लगा ले, बार लगा ले, एकदम नया नया बार एकदम झाड़ के राउंड कट कटा के एकदम भाजते हैं, 60-80 में उड़ने में लगता है एकदम आंख में पानी हरा रहा जाता है, लेकिन इसकी रफ्तार देखिए 112 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है एशियाई चीता, क्या विद्यार्थी, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे कब लुप्त तो घोषित कर दिया गया था मुख्य रूप से अपने देश में, तो कह रहे थे 1952 में इसे क्या कर थे, लुप्त तो घोषित किसे कर दिया था विद्यार्थी, एशियाई चीता को। देखिए जो चीता की हम बात कर रहे थे ना कि कब लुप्त हुआ था, तो बता ही रहे थे आपको कि 1952 में भारत में लुप्त हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे देशों में 8 चीते आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था आज का, ध्यान से समझिएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, चलिए अब आज के लिए हम इतना ही रहने दें, अब आगे धीरे धीरे आपको हम टॉपिक बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, एक बार आपसे हम पूछ दे रहे हैं मिटा लो, ठीक। चलिए बताएगा विद्यार्थी, जितना आज आपको पढ़ाएं एकदम ध्यान से हमारे साथ बोलिएगा। चैप्टर का नाम वन्य जीव बताए थे आपको, मुख्य रूप से बताएंगे भारत में जो स्थानिक उपजातियां होती, स्थानिक वनस्पति उपजातियां थी कितनी थी, तो इसमें कितने हमने बताया थे कि टोटल 47,000 थी, लेकिन इसमें मुख्य से भारतीय मूल की कितनी थी, 15,000, कितनी थी हमारे प्यारे बच्चों, 15,000 थी, ठीक। पौधों एवं प्राणियों को क्या किया, अलग अलग श्रेणियों में बांटने का काम कौन संस्थान किया था, तो IUCN, कौन किया था विद्यार्थी, IUCN, IUCN का फुल फॉर्म हमने बताया था इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन, उसके बाद नेचुरल, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचुरल, कंजर्वेशन नेचुरल, हिंदी इसके हम बताए थे आपको प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, क्या बताए थे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसमें हमने बताया था सामान्य जाति वे जातियां होती हैं जो पर्याप्त रूप से भारत में हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बिल्ली हो गया, पर्याप्त मात्रा में। संकट ग्रस्त वे जातियां होती हैं जो मतलब धीरे धीरे उनकी कंडीशन संकट ग्रस्त, मतलब वो धीरे धीरे ना उनको बचाया जाए तो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएंगे, जैसे इसमें बताए थे कि काला हिरण आ जाएगा, उसके बाद शंघाई बता, तो उछल कूद वाला ऐसे जानवर कहा जाता है, यह भी इसमें आ जाता है। और भारत का जो जंगली गधा होता है, जंगली गधा देखने में तो जाती है गुजरात राज्य में पाया जाता है, ठीक है, जंगली गधा।
सुभेद किसे बताते हैं कि यह संकर ग्रह श्रेणी से थोड़ा सा बेहतर, मतलब संकट में जाने से अभी क्या हुआ है, बचा हुआ है। इसमें बताते हैं नीली भेड़ आती है, एशियाई आपकी क्या आती है, हाथी आती है, और गंगा नदी की क्या आएगी, डॉल्फिन। गंगा नदी की क्या आएगी विद्यार्थी, डॉल्फिन। स्थानिक जाति में बताए थे एक मिथुन नाम का था, हीरो नहीं, जो माता आता हूँ दूर से खाता हूँ बैगन, वो तो अजय देवगन कहलाएगा, आता हूँ दूर से वाला नहीं। इसमें बताया था मिथुन एक प्रकार की जाति जो किसी विशेष स्थान पर जानवर पाए जाते हैं, मिथुन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अंडमानी आपको बताया था जो टील पाया जाता है अंडमान में पाया जाता है। निकोबारी कबूतर कहाँ पाया जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, तो निकोबारू कबूतर कहाँ पाया जाएगा, निकोबार में। लुप्त जातियां बता जो भारत से लगभग समाप्त हो चुकी है, तो उसमें चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख बताया था। ध्यान रहे इसे एशियाई चीता की रफ्तार कितनी होती है विद्यार्थी, तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे तेंदुआ भी कहा जाता है और यह लुप्त हुआ था 1952 में। आज एशियाई चीता आ रहा है लेकिन आपके सिलेबस में दिया है कि लुप्त श्रेणी में आते हैं, ठीक है प्यारे। अब धीरे धीरे आ रहे हैं, आज के लिए इतना ही, अब हम आगे आपको इसका अगला पाठ देंगे, ठीक है विद्यार्थी। खूब मन लगा के खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है, चलिए।